वेलकम टू ऑल इन इन्फो फॉर ट्रिपल ई। माय नेम इज सचिन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप लोग सीख सकते हैं हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स इन साइंटिफिक कैलकुलेटर। मॉडल ऑफ आर कैलकुलेटर इज केसियो FX-991ES। FX-100ES में मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट 991ES में आप मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। सबसे पहले आपका जो भी पीसीएस में बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको उसको क्लियर करनी पड़ेगी मेमोरी। टू क्लियर दैट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट मोड क्लियर ऑल इज ऑन द 3 equal to तो जो भी आपका प्रीवियसली डाटा इसमें सेव है ये सब क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स मोड में जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रेस मोड देन मैट्रिक्स इज ऑन नंबर 2, यू हैव टू प्रेस 2। नाउ यू हैव एंटर्ड इन द मैट्रिक्स मोड। अब आपको क्या करना है, कोई मैट्रिक्स इंसर्ट करनी है। तो मैट्रिक्स आपका 4 नंबर बटन पे लिखा है, तो आपको इसको ओपन करना है। तो शिफ्ट एंड 4। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 इज द डायमेंशन। जो भी आप मैट्रिक्स सेव करना चाहते हैं उसकी डायमेंशन यहाँ पे पूछेगा, तो मतलब कि मैट्रिक्स यहाँ पे सेव होगी। एडिट मतलब कि जो सेव्ड मैट्रिक्स है उसको अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से करेंगे। मैट्रिक्स, जो आपने मैट्रिक्स सेव कर ली है वो मैट्रिक्स यहाँ पे स्टोर होगी। आगे देखते हैं, एरो है। डिटर्मिनेंट निकालना है, देन यू हैव टू प्रेस 1। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है, देन यू हैव टू प्रेस 2। तो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, 1 डायमेंशन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम पूछ रहा है कौन सी मैट्रिक्स सेव करना चाहते हैं, 1, 2, मतलब ए बी सी। तो सपोज मैं मैट्रिक्स ए सेव करना चाहता हूँ, तो प्रेस 1 पे सेव मैंने प्रेस किया। नाउ ही इज आस्किंग डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं या इन्वर्स निकालना चाहते हैं, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि वो दोनों मल्टीप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो वो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए मैट्रिक्स के। तो सपोज मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2 की, सो m इज 2 एंड n इज ऑल्सो 2। नाउ ही इज आस्किंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4। तो हमने मैट्रिक्स ए सेव कर लिया। नाउ अब आपको कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना है। सपोज आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, देन वट यू हैव टू डू, बाहर आ जाइए, शिफ्ट मैट्रिक्स, गो देयर, डिटर्मिनेंट इज ऑन 1। तो अब ये पूछ रहा है किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैट्रिक्स ए का निकालना है। तो आपके स्टोर्ड मैट्रिक्स को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। देन अगेन शिफ्ट मैट्रिक्स 3। मैट्रिक्स कौन सी आपने स्टोर करी है, ए, तो प्रेस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -2। तो ये आपका आंसर हो गया। सपोज आपको मैट्रिक्स बी सेव करनी है, देन अगेन बाहर आइए, शिफ्ट मैट्रिक्स, डायमेंशन मैट्रिक्स बी। तो ऑर्डर पूछ रहा है, अगेन इट इज 2x2। ओके, सो इट इज सपोज 5, 6, 7, 8, ये मेरी मैट्रिक्स बी आपकी सेव हो गई। बाहर आइए, मैं चाहता हूँ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करना। तो व्हाट यू हैव टू डू, शिफ्ट मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स ओपन करनी है, तो 3, 1, तो मैट्रिक्स ए आ गया, प्लस शिफ्ट मैट्रिक्स 3, 2, मैट्रिक्स बी आ गया, देन इक्वल टू, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। टू चेक द नेक्स्ट एलिमेंट आप इक्वल टू नहीं दबाएंगे, आप एरो दबाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मतलब कि A11, A12, A21, A22 आपके आंसर्स आ गए। ओके, अगर आपको इन्वर्स करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स, आपको स्टोर्ड मैट्रिक्स खोलनी है ना, तो मैट्रिक्स के लिए आप 3 दबाएंगे। तो सपोज इट इज़ मैट्रिक्स ए, आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आप सिंपल स्क्वायर दबाएंगे, इक्वल टू, इट इज़ योर आंसर 7, 10, 15, 22। ओके, सपोज आपको इन्वर्स करना है, तो शिफ्ट मैट्रिक्स 3, मैट्रिक्स बी का इन्वर्स करना है, तो इट इज़ योर आंसर -4, 3, 3.5 एंड -2.5। ओके, अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, सपोज आपको ए इंटू बी करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, शिफ्ट मैट्रिक्स, आपको स्टोर मैट्रिक्स खोलनी है, अगेन 3, कौन सी मैट्रिक्स खोलनी है, ए, इंटू बी मैट्रिक्स खोलनी है, शिफ्ट मैट्रिक्स स्टोर में से खोलनी है, बी, इक्वल टू, इट इज़ योर आंसर 19, 22, 43 एंड 50। If you are liking our videos, kindly do a big thumbs up and subscribe our channel. It gives us motivation to work for you. Thanks a lot.